हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने पेनड्राइव को बूटेबल कैसे बनाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पेनड्राइव अपना इंसर्ट किया हुआ है सिस्टम में, और ये इस टाइम पे कम्प्लीटली खाली है, फॉर्मेटेड है। तो आपको भी अपना वही पेनड्राइव लेना है जिसमें कोई डेटा नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र पर जाके हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है रूफ़ुस। तो रूफ़ुस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है हमारे विंडोज़ के लिए। उससे क्या होता है कि उससे हम अपने पेन ड्राइव या यूएसबी ड्राइव को हम बूटेबल बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा जो डाउनलोड वो शुरू हो जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हैं, मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब मैं अगर इसे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे यस, तो यहाँ पे अभी हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगी रूफ़ुस की। तो यहाँ पे ऊपर सबसे पहले हमें डिवाइस शो हो रहा है, जो मेरा डिवाइस है, मेरा यूएसबी, और नीचे हमें अपनी डिस्क और आईओसी इमेज सेलेक्ट करनी है। अब वो जो इमेज है वो हम जैसे हमें उबंटू डालना है या फिर हमने विंडोज़ का बूटेबल बनाना है, तो आपको वो पहले जो इमेज है वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने सिस्टम में। मैंने जैसे कि अपने यहाँ पे मैंने उबंटू का, मेरे पास आईओएस इमेज पड़ी है, मैं उसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसमें मैं ओपन कर लूँगा। उसके बाद जो पार्टीशन स्कीम है, जो टारगेट सिस्टम, फाइल सिस्टम, क्लस्टर साइज़, ये सब डिफ़ॉल्ट रहने देना, उसे चेंज ना करना, और यहाँ पे स्टार्ट कर देना। इसे कंप्लीट होने में अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 minutes लगते। तो आप तो जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा था स्टेटस में वो कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार चेक करने के लिए मैं एक बार फिर पेन ड्राइव को खोल के देखूँगा। अब इसमें काफ़ी सारी फाइल्स आ रही है, ये सारी फाइल्स हमें लेना देना नहीं है, सारी बूटेबल फाइल्स होती है। तो अब तो हमारा जो अब यूएसबी ड्राइव है वो बूटेबल बन चुका है। सो थैंक यू गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you guys.